हेलो सर, नमस्कार। ये देखिए, प्रोजेक्टर यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, प्रोजेक्टर अभी सेट नहीं किया है मैंने, रखा ही हुआ है यहाँ पे। अभी प्रोजेक्टर जो है ऑन कर देता हूँ। स्विच मैंने शायद दूसरा यहाँ पे ये लगा रखा है, यहाँ से ऑन कर देते हैं। ये लाइट आ गई है यहाँ प्रोजेक्टर में। ठीक है, थोड़ी देर बाद ये चालू हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेता है ये। अब चालू हो गए, देखिए सामने प्रोजेक्टर चालू हो रहा है। ठीक, TSLT 09A प्रोजेक्टर है, 5000 लुमिनेंस प्रोजेक्टर है, एंड्रॉयड 9 है, 1 GB रैम है, 8 GB रोम है। और ये देखिए फुल डे लाइट में है। अभी मेरे यहाँ प्रोजेक्टर रखे हुए तो कुछ यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करके, पर वो मैंने हटा दिया है क्योंकि मेरे यहाँ मूवी शो भी चल रहा है, इसलिए थोड़ा खाली लग रहा है यहाँ पे। तो इसलिए थोड़ा मैंने प्रोजेक्टर्स हटा दिए हैं यहाँ से। ठीक है, ये प्रोजेक्टर देखिए ऑन हो गया। इस तरीके का डिस्प्ले है, और ये आपका जो है यहाँ पे फोकस, ये लेंस सेटिंग दिया हुआ। देखिए यहाँ से लेंस पूरा ब्लर हो जाएगा और आपका क्लीन भी हो जाएगा। ये देखिए फुल क्लीन यहाँ पे हो जाएगा। ओके, और ये मैनुअल इसमें कीस्टोन दिया हुआ है यहाँ पे। इस तरीके से आप सेट भी कर सकते हैं इसमें। डिजिटल 4D की स्टोन भी है। ठीक है, आप जहाँ से चाहें वहाँ से सेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने मेरे से बोला था कि थोड़ा डिटेल में ही आप वीडियो बनाइएगा सर, तो मैं इसलिए आपके लिए बना रहा हूँ ये वीडियो। यहाँ पे ब्लू लाइट भी ऑन है, मैं ब्लू लाइट ऑफ कर देता हूँ, नहीं तो उसकी रिफ्लेक्शन से थोड़ा अलग दिखता है। और वो देखिए लैपटॉप भी मैंने वहाँ सामने रख रखा है, तो उसमें आपकी मूवी भी ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, फुल डे लाइट में है, और स्क्रीन साइज़ भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि छोटा है। हाँ देखिए, स्क्रीन साइज तो मान के चलिए आप ये 170 इंच के आसपास, उससे बड़ा ही बना हुआ है। 170 इंच से भी बड़ा स्क्रीन साइज बना हुआ 5000 लुमिनस प्रोजेक्टर है ये। ओके, आप इस प्रोजेक्टर को कम से कम छोटे में छोटा चाहते हैं तो 50 इंच तक ले जा सकते हैं, और बड़े में बड़ा आपका 200 इंच तक कर सकते हैं। 170 इंच है, 30 इंच और बड़ा कर सकते हैं, 250 इंच भी बना लेंगे। लेकिन बात वही है कि आप इसको मेरे हिसाब से 200 इंच तक पे ही चलाइए डार्क रूम में, तो अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। मैं थोड़ा सा जो है डार्क कर देता हूँ यहाँ, क्योंकि स्क्रीन काफ़ी बड़ा है। आपको डे लाइट में यदि प्रोजेक्टर चलाना है तो आप इसको डे लाइट में आप मेरे हिसाब से 120 इंच पर चलाइए। डे लाइट मतलब 9 वाट के एक LED बल्ब के अंदर। ओके, तो यहाँ पे जो है देखिए आपका होम स्क्रीन तो ये पूरा ऐसा मिल जाएगा। यूट्यूब वगैरह तो नॉर्मल है चलाना। देखिए यहाँ पे VLC भी यहाँ अपलोड है, ये VLC देखिए अपलोड है यहाँ पे। आप बोल रहे थे इसे इंस्टॉल कर देना है, तो यहाँ से इजीली इंस्टॉल हो जाएगा, वो मैं करके दूंगा आपको। ठीक है, ये आराम से यहाँ डाउनलोड हो जाएगा, इसको डाउनलोड पर क्लिक करना है। देखिए अभी यहाँ डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। ओके, ये डाउनलोड हो रहा है, देखिए अभी डाउनलोड कर दिया है मैंने आपके लिए, आपने मेरे को बोला था इसलिए कर रहा हूँ मैं यहाँ। ये VLC इंस्टॉल कर दिया है मैंने, काफ़ी इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, ये इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे अपना। और आपको 3D डाइम प्लेयर भी डाउनलोड करना है, वो थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है इसमें जाके अपने को गूगल के अंदर। ठीक है, तो वो अभी मैंने इस पर वाईफाई कनेक्ट कर रखा है। मैं आपको थोड़ा सेटिंग भी दिखा दूँ। सेटिंग आपका यहाँ पे इनपुट सोर्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप HDMI 1, HDMI 2, जो भी आपको सोर्स चाहिए वो हो जाएगा सिलेक्ट। बाकी रिमोट में भी यहाँ पे सोर्स का एक बटन दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा अंधेरा हो रहा है यहाँ, ये वाला जो स्विच है ना, इसको भी आप दबाएंगे ना तो ये वाला जो है ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इसको इसको यहाँ दबाएंगे ना, ये प्रेस करने पर बटन को। ओके, ऐप अपडेट, यहाँ पे जो भी ऐप अवेलेबल होगा इसके अंदर वो पूरा यहाँ अपडेट करना है नहीं करना वो दिखा देगा। आपकी सेटिंग यहाँ आ जाएगी, यहाँ वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा, नॉर्मल जो अपने फ़ोन में कनेक्ट होता है बस वैसे ही है पूरा का पूरा, बस प्रोजेक्टर में है। ब्लूटूथ है, डिवाइस परफॉर्मेंस, ये सब यहाँ पे सेटिंग आपको मिल जाएगी, वही सेम मोबाइल फ़ोन की तरह है, बस यहाँ थोड़ा पिक्चर सेटिंग वगैरह है आपका। ठीक है, पिक्चर सेटिंग स्टैंडर्ड, वीवेड, मूवी, ये सब दिया हुआ है इसमें। इसके ऊपर काफ़ी वीडियो बने हुए हैं मेरे, इसलिए मैं यहाँ दिखा नहीं रहा है। साउंड सेटिंग है। ओके, बाकी आपको जो सेटिंग समझ में नहीं आया मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको डिजिटल 4D करेक्शन भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे।
ठीक है। इस तरीके से आप कॉर्नर टू कॉर्नर आपका स्क्रीन भी सेट कर पाएंगे यहाँ, ये सेटिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। वो आप मेरे को वीडियो कॉलिंग भी कर लेंगे तो मैं समझा दूँगा। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली भी इसमें ये देखिए इस तरीके से भी ये दोनों तरफ से जो है ये लेफ़्ट टू राइट आप इसको सेट कर सकते हैं प्रोजेक्टर को, ठीक है। ये वाटर क्ली भी है यहाँ पे आपका, ये इस तरीके से हो जाएगा सेट। यदि प्रोजेक्टर को ज़्यादा हाइट में रखते हैं या एकदम नीचे साइड में रखते हैं अपन थोड़ा, तब ये सेटिंग काम आ जाती है आपके, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से तो प्रोजेक्टर को आप भी सेंटर में रख के चलाइए, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और ये डिजिटल जूम इन दिया हुआ है इसमें, आप स्क्रीन वहीं के वहीं छोटा कर सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टर जैसा मेरा 16 फीट 6 इंच की दूरी पे रखा हुआ है, अभी 170 इंच के डिस्प्ले से काफ़ी छोटा आ गया था, एस्पेक्ट रेशियो है, ठीक है। ये यहाँ पे अपन इसी पे रहने देते हैं अभी। बाकी सेटिंग तो मैंने आपको बता दी है यहाँ पे, और अब जो है इसमें हम क्या करते हैं, ऐप में चलते हैं इसके। आपको डाइम प्लेयर और डाउनलोड करना और 3D मूवी कैसे चलानी वो भी दिखानी है, ठीक है। इसमें आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं सब इसमें कर देता हूँ, एक बार ऐप स्टोर में भी सर्च कर लेते हैं, ऐप स्टोर के अंदर। ये सभी ऐप देखिए आपको इसमें मिल जाएगा, आपको जो भी चाहिए यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा है, यहाँ रिमोट भी वर्क कर रहा है और स्पीड भी काफ़ी अच्छी आ रही है इसमें। ओडी प्लेयर भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे, VLC वगैरह सब है ही। अभी हम जो है इसमें गूगल सर्च करते हैं, इसमें गूगल सर्च करने पर दिखा नहीं रहा, मैंने लास्ट टाइम डाउनलोड तो किया था पर नॉट फाउंड बोल रहा है, ये शायद मैंने कहीं और से डाउनलोड किया होगा, क्योंकि एक्चुअली मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा मैंने कहाँ से डाउनलोड किया था उसे। रिकॉर्डिंग सीधी चालू रखी है मैंने यहाँ पे, ताकि जो भी एक्सपीरियंस होगा यहाँ आपके सामने ही होगा, कुछ भी अलग से नहीं।
ठीक है, यहाँ से इसे डाउनलोड करना है अपने को, गूगल को, गूगल क्रोम। यहाँ डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद इसे क्रोम आ चुका है, इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ। सॉरी, इसमें थोड़ा सा क्या, रिमोट से ऑपरेट कर रहा हूँ ना मैं, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है। लाइव प्लेयर, ठीक है, ये टाइम प्लेयर आ गया है। हम अब इससे हम निकालेंगे 9th ऐप से। इसमें माउस लगा के ही ओपन करना पड़ेगा। इसमें मैंने माउस लगा लिया है, ठीक है। अभी यहाँ ये 9th ऐप है, यहीं से ही मैंने लास्ट टाइम का डाउनलोड किया था डाइम प्लेयर। अभी देखना पड़ेगा यहाँ कौन सा वाला जो है।
ये देखिए इंस्टॉल हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अभी इसमें जो है यूएसबी ड्राइव नहीं लगा रखी मैंने, मैं इसमें अवतार मूवी पेस्ट कर लूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे मूवी प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये इंस्टॉल तो हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं सोच रहा था इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि एंड्रॉयड 9 में मैंने अधिकतर देखा है कि होता नहीं है। ओके, मैं मूवी पेस्ट कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ उसमें, ठीक है सर। ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड तो हो गया है, अब इसमें आपको एग्ज़िट होना, तो होम बटन दबाना होगा। होम बटन दबाने के बाद ही एग्ज़िट हो गया है यहाँ से, क्योंकि मैंने कोशिश कर ली इसमें। अब मूवी थोड़ा इसमें पेस्ट कर लूँ आपके पेन ड्राइव में, फिर मैं आगे का वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। अवतार मूवी के कुछ सीन्स में मतलब कॉपीराइट नहीं आता, तो उसी पे ही चला के दिखा दूंगा मैं कि किस तरीके से आपको यूज़ में लेना है SBS 3D मूवी को, रेड एंड ब्लू 3D में। ओके, ये सर जी देखिए मैंने इसमें USB अभी लगा दिया। प्रोजेक्टर जब चालू करोगे आप, तो इस तरीके का होम स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ आपको ऐप में जाके यहाँ नीचे आना है, क्रोम के साइड में यहाँ एक बार प्रेस करना है रिमोट से, और यहाँ आने के बाद ये देखिए टाइम क्लियर दिख रहा है, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ ये पूछेगा वीडियो, और ये यहाँ देखिए फोल्डर इस तरीके से आ जाना है यहाँ, ठीक है। ये एक्वामैन एवेंजर, ठीक है, ये मूवी मैंने डाल दी है, और यहाँ पे ये अवतार मूवी भी डाली हुई है। ओके, अवतार मूवी भी यहाँ डली हुई है, मैं इसको प्ले करता हूँ। पर ये 20 कंट्री फॉक्स जो शुरू में है, इसको थोड़ा निकालने दूंगा, उसके बाद में वीडियो आगे से आपको समझाता हूँ कैसे क्या करना है, क्योंकि हो सकता है 20 कंट्री फॉक्स ये सामने डिस्प्ले पे आ जाए, तो इसमें कॉपीराइट आ जाए, ठीक है। मैं थोड़ा सा मूवी प्ले करने के बाद आपको बताऊँ, ओके करने से बस प्ले हो जाएगी मूवी। ओके, ये देखिए मैंने प्ले करी और ये मूवी प्ले हो जाएगी यहाँ पर। ये देखिए सर यहाँ SBS मूवी प्ले करती है मैंने 3D वाली। अभी आपको ओके का बटन बीच में प्रेस करना है, इसको यहाँ पे ये जो तीन डॉट नज़र आ रहे हैं इस पर क्लिक करना है, ठीक है। ये एनाग्लेफ 3D लिखा हुआ ना, एनाग्लेफ 3D में जाना है। आपकी मूवी जो है यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट में चल रही है, लेफ्ट एंड राइट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये देखिए लेफ्ट एंड राइट पे आपने क्लिक किया ना, मूवी सिंगल हो गई है, ठीक है। ये मूवी सिंगल हो गई और आपकी ये अभी जो है रेड एंड ब्लू 3D मूवी हो चुकी है ये। ओके, रेड एंड ब्लू 3D यहाँ मूवी हो गई है ये। ये सेटिंग मैंने कर दिया, आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। ये रेड कैन मूवी पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, आपको सिर्फ लेफ्ट राइट पे सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे जाके बस आपकी मूवी यहाँ 3D हो जाएगी। ओके, और अभी ये मूवी 3D हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन
दारू तो रीढ़ की हड्डी तक ठीक हो सकती है, पर हमें उतना मिलता कहाँ है? इस बजट में तो सवाल ही नहीं। आइए चलिए खास मेहमान, मुझे और इंतजार मत कर भाई। आओ बच्चों आओ आओ, वाह क्या जोश है इनमें। नीचे पृथ्वी पर ये लोग फौजी जवान नौसैनिक थे, आजादी की खातिर लड़ रहे थे। पर यहाँ ये सिर्फ खरीदे हुए गुलाम हैं, पैसे लेते हैं, कंपनी के लिए काम करते हैं। जरा इधर तो देखो मेरे दोस्त, नवाबजा आ रहे हैं। ठीक है, अब ये रेड एंड ब्लू 3D यहाँ गॉगल है, लेकिन अभी इससे तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि दिखेगी भी नहीं। अब तुम पृथ्वी पर नहीं हो। ओके सर, तो ये मैंने आपको जो है पॉसिबल जितना था मैंने करके बता दिया यहाँ पे। ओके, और आपका प्रोजेक्टर भी ये रखा हुआ है TSLT09A। तो डाइम प्लेयर डाउनलोड करके मैंने यहाँ आपको मूवी वगैरह प्ले करके दिखा दी है पूरी। ओके सर, बाकी मूवी पेस्ट करके आपका प्रोजेक्टर भेजता हूँ और एक वीडियो भी बना के भेजूँगा आपको, पूरा फुल डिटेल वाला, क्या क्या एसेसरीज है, किस कंडीशन में प्रोजेक्टर भेज रहा हूँ। ये आपके प्रोजेक्टर पे ही टेस्टिंग करी है पूरी मैंने, और समझ लीजिए डेमो उसका यहीं चल रहा है। ओके सर, और ये वीडियो मैं YouTube पे भी अपलोड करूँगा। दोस्तों, आप लोगों को भी यदि प्रोजेक्टर चाहिए या कोई भी आपके डाउट्स हों, जो मेरे को समझ में आएगा या जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा दोस्तों करके, तो आप भी मुझसे प्रोजेक्टर परचेस करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको YouTube पर मिल जाएगा, व्हाट्सअप पर मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल करें, सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं, और कैश ऑन डिलीवरी भी हो जाएगी। कैश ऑन डिलीवरी के लिए आपको 500 रुपीज़ पहले कन्फर्मेशन का देना होगा, बाकी का बैलेंस पेमेंट जो है आपको प्रोजेक्टर मिलने पर कुरियर ऑफिस में पेमेंट करके पार्सल रिसीव कर लेना है। ओके, थैंक यू सर जी, थैंक यू दोस्तों।